प्रेजेंट बाय डीएससी लाइव कवरेज। एक कोई नहीं जावे अब देव मारे आए हाय, अरे राणो जी फौज सजावे। ये परदा राणा जी फौज सजा देहो, प्राण का राजा स्वयं ने विचार करियो कि अब देव नारायण मारवा और तो कोई नहीं जा रिया, अब मो स्वयं फौज लेने जाऊंगा। जय हो। बताओ शरण ले ले तो फायदा मेरे तो। देखो जो है एक बार कोई गलती कर दे ओ की माफी मांगी सुधरी जाए वो इंसान है, और दूसरी बार गलती करे वो शैतान है, अन सदा गलती थी अड़ियो अड़ायो रे नहीं वो सपा बेईमान है। हाँ इसलिए पग पग सूरा देवरा पग पग सतिया ढोड़, अरे डर लागे पग मेलता सो गड़ची तोड़। जेको 18 किलोमीटर को मकान थो मेड़ता की मीराबाई चित्तौड़गढ़ पर नाई मेड़तिया के दूदाजीरी भाई और चित्तौड़ के राणा के यहाँ पर नाई, बाकी वो भक्ति भगवान की गुरु मिलिया वाने राई दास अशा गुरु की शरण में गई के दोई परिवार के दाद नहीं दई। हाँ जो घणो पड़ियो आखरी में ये को 18 किलोमीटर को मकान थो अन आज भी है ऐसा करके महारानी करताल तंबूर लेन भगवान का भजन में नाची, अपन 5-25, 50 बीघा 100 बीघा जमीन वाला और के नाजवाम कहीं शर्मारिया यार नाचनो भी भक्ति है। आहा वो राणा जी मारे गुरु तो मिलिया Thank you.
मां से कही ओ माही माने सपना में बरियाली गोपाल सपना में बरियाली गोपाल भगवान की हो। राणा जी ने मीरा को बड़ा सताया। बाकी देखो किसी ने कहा है कि तीन बनावे देश को जति सती न सूर और तीन ही बिगाड़े देश को कपटी कायर ने कूट। जय हो। संत सतावे संत सतावे तीन जावे धन यौवन ने वंश अगर नहीं माने तो देख ले तीनों ताला दे गया रावण कौरव ने कंस। राम गुण क्यों नहीं गावे रे हरि गुण क्यों नहीं गावे रे तज पर घर की प्रीति राम गुण क्यों नहीं गावे रे। तो राम को नाम अच्छा एक बात और है कबीरदास जी ने आज तक राम जी को खंडन नहीं करी उन्होंने तो एक ही बात कही राम रही मां एक है मत समझो कोई दो है। पर ध्यान रहे अपन में कहीं ना कहीं सब आया एक कांट से उतरिया एक ही बात पर बीच में दुविधा पड़ी गई तो ईगा बारह बाट आ फिर बारह बाट होया पर 36 तरह की बात करवा लग गया। हाँ। अरे भाई धर्म तो एक ही है जिसका नाम है सनातन धर्म बाकी हम पंत की तरह भी बने सकते हैं। हाँ। मैं किसी का खंडन नहीं करता क्योंकि कबीर जी ने आज तक किसी का खंडन नहीं किया है। खंडन कौन कर रहा तम अपन बाकी खंडन नहीं करना चाहिए। साचा सतगुरु बस आप सार पर ध्यान दीजिए साचा सतगुरु से मिले बावरी क्यों भूली गी थारो देश रे साचा सतगुरु से मिले बावरी क्यों माता साडू का गुरु साचा था तो आज अपन उनका कर्म के अनुसार उनकी भक्ति के अनुसार उनकी भक्ति का प्रतीक श्री देव नारायण जी के पूजी रिया उनके मानी रिया और भी अपनी मनोकामना पूर्ण करी रहे। बाकी भक्ति साची कण की कृपा से थी अपना गुरु की कृपा से। रामायण बता रही बिन गुरु भव निधि तरे ना कोई इसलिए गुरु करना जीवन में जरूरी है। पर फिर करिया नहीं तो बड़ा बाव शेष कर जो नहीं तो 6 महीना पारो पेरी और फिर क्वार्टर को ढक्कन तोड़ियो तो बात बनने वाली नहीं है वहां तो फिर बगड़बा वाली है। अगर उसके हम बन गए तो फिर उसके ही बन करके रहिए। अब माता साडू घबरानी साडू माता घबरानी के अब तो चार चार ब्राह्मण से देव
नहीं मरियो, अब राणो जी आएगा और मारा लाल ने समाप्त कर देगा। अब मुंह अठीने नहीं रहू, मुंह मारा पियर उज्जैन में चली जाऊं। जय हो। कहां चली जाऊं? उज्जैन में। और उज्जैन नगर में मारा पिताजी रेवे, मारा भाई रेवे, भौजाई रेवे, माता और मेरा सा परिवार रहता है। अगर मार में बखो पड़ियो है तो अब यहाँ रहने में सार नहीं है, ये बुरा दिन निकल जाएगा, पर ना बुरा दिन में यहाँ रहना उचित नहीं है, टाड़ो देने में फायदो है। टाड़ो देने में फायदो है, क्योंकि मैं सत्य हूं, परेशान हो जाऊंगा पर पराजित नहीं होऊंगा गुरु और भगवान की कृपा से। माता झाड़ू ने कोरो कागज लियो और कागज में लिखियो है, चाहे कितना भी अमीर, कितना भी गरीब घराना की बेटी हो और वो कितने भी बड़े परिवार में उसकी ससुराल हो, बाकी फिर भी वो अपने पिता और परिवार को कभी नहीं भूल सकती। कारण उन्होंने पाला है, उन्होंने पोसा है, उन्होंने बड़ा किया है। साडू माता ने कदे पत्र लिखी दियो मालम, जद गोद का लाल को लोग समाप्त करनो चाया जदे, छोटी छोटी बात पे टेलीफोन नहीं करियो। हाँ, यह तो अपना पूर्ति बात है, टेलीफोन वाली पहला टेलीफोन नहीं, पहला पत्र लिखाता था, नहीं तो किसी भी दास दासी को भेज दिया जाता था। जदे काटो धूप पड़ तो जदे, आबे तो धन में तेरा बार टेलीफोन हो जा। पेला का लोग बेटी के दहेज में कहीं देता था, गाय देता था, हाथी देता था, ऊंट देता था, घोड़ा घोड़ी देता था, रथ देता था, बैलगाड़ी देता था, जमीन दान में देता था, आबे कहीं दे कार। अरे भैया बेटी को कार मत दीजो पर संस्कार जरूर दे दीजिए, निवेदन है हमारा, भले ही कार मत दो संस्कार दे दीजिए। अगर संस्कार नहीं है तो आप अगर उन्हें कार कहीं भले फॉर्च्यूनर दे दोगा, वह फॉर्च्यूनर तो दूसरा बाप रहेगा, और बिना संस्कार की बेटी आपके दरवाजे पर आ जाएगी महाराज। अगर बंदी में संस्कार होगा तो कार तो वो खुद खरीद लेगी, इसलिए अपनी बेटियों पर, अपना बेटा और को अच्छा अच्छा स्कूल में उनकी पढ़ाई करवावे, कार मत दीजो भले हो, संस्कार दे दीजो। अंथांगणे रुपया है तो भले खूब दो, मुंह मना नहीं कर रही हूँ, खंडन नहीं कर रही हूँ, पर खेबा को मतलब यो है कि जितना कार में खर्चो करो नहीं, अतराव की पढ़ाई में कर दीजो। देव नारायण भगवान।